ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, इसकी बात किए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इसकी बात पिछले में किए थे हम लोग। उसके लिए एक पर्टिकुलर डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस है उसको किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम फुलफिल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट मॉड्यूल की बात किए थे हम लोग, मेनली दो मॉड्यूल, कर्नल और सेल। ये पाया था कि कर्नल जो है वो ऑल टाइम उसको ऑपरेटिव होना होता है, सेल डिपेंड्स अपॉन द कमांड गिवन बाय द यूजर्स। तो ये बातें हम लोगों ने पिछली बार की थी। ये भी देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट वाइज अगर देखें तो उसके फोर मेजर कैटेगरीज हैं, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर्स। देन डिफरेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी बात हुई थी। कंट्रोल प्रोग्राम किसको कहते हैं, कर्नल किसे कहते हैं, कर्नल में कौन कौन सी फाइल्स हैं, फिर किस तरह से रिसोर्स एलोकेट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने का दो व्यू पॉइंट है, एक तो यूजर की ओर से है, दूसरा सिस्टम की ओर से इटसेल्फ है, कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से देखता है, उसको क्या हेल्प चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। एंड हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखा तो एक हार्डवेयर को उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, उसके बारे में बात हुई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर देखा जाए तो कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ। तो पहला जो है दैट इज मेन फ्रेम सिस्टम। अब मेन फ्रेम सिस्टम जो है इट रिड्यूस सेटअप टाइम बाय बैचिंग सिमिलर जॉब्स। तो जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि सेटअप टाइम जो लगता है उसको रिड्यूस करना। और रिड्यूस कैसे किया, सिमिलर जॉब्स के जो सिमिलर जॉब वाली जो प्रोग्राम्स हैं या ये कह लें जो फाइलें हैं उनको एक प्रॉपर बैच बनाया गया और उन बैच के थ्रू उस कंप्लीट प्रोग्राम को किया गया। ऑटोमेटिक जॉब सिक्वेंसिंग हुई इसमें, कंट्रोल जो है वन जॉब से दूसरे जॉब को अपने आप ट्रांसफर होता है। पहला जो ऑपरेशन होता है वो रेजिडेंट मॉनिटर का होता है, यानी रेजिडेंट मॉनिटर इनिशियलाइज करता है, इनिशियल कंट्रोल उसके पास होता है, देन आफ्टर इट कंट्रोल द ट्रांसफर फ्रॉम जॉब टू जॉब। एक जॉब कंप्लीट हुआ तो ट्रांसफर दूसरे जॉब को जाता है एंड इट इज गवर्न बाय द मॉनिटर। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द मैकेनिज्म ऑफ जॉब शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी जॉब की शेड्यूलिंग कैसे करनी है और सीपीयू की शेड्यूलिंग कैसे करनी है। जॉब की शेड्यूलिंग मतलब किस जॉब को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, पर्टिकुलर कितने ड्यूरेशन में उस जॉब को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट कि फर्स्ट जॉब कंप्लीट हो गया, सेकेंड जॉब को किस जॉब को आपको स्विच ऑन करना है, क्या आप पैरेलल में भी कोई जॉब करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज। दूसरा सीपीयू की शेड्यूलिंग, तो कितना परसेंटेज सीपीयू का आप किस जॉब को दे रहे हैं, इसका भी जो निर्धारण है वो कह लीजिए मेन फ्रेम में होता है। सेकेंड इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। This type of operating system accepts more than one job, यानी ये वो system है जो एक से ज्यादा job को करते हैं and these jobs are batched या grouped together according to their similar requirements। और इनको किस तरह से batch में बनाया गया या किस तरह से group किया गया, इनकी requirement को देखते हुए। अगर इनकी requirement को same पाया गया कि भाई कुछ ऐसी job है जिनकी requirement एक जैसी ही दिखती है, although they are not totally similar but they have some similarity, उसके आधार पे उनको एक बैच में बनाया गया, उनको एक ग्रुप में बनाया गया। और ये कौन करेगा, this is done by computer operator, जो ऑपरेट करेगा, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें इंस्टॉल करेगा वो उसके हिसाब से उसको पार्टीशन करेगा,
Whenever the computer becomes available, the batch jobs are sent for execution and gradually the output is sent back to the user. तो जब भी कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल होगा वो कंप्लीट बैच जॉब जो है यानी वो कंप्लीट जॉब का जो बैच बनाया हुआ आपने वो पर्टिकुलर बैच ही जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसका जो आउटपुट होगा वो सेंड बैक टू द यूजर हो जाएगा। एक समय पे एक ही बैच जो है वो परफॉर्म होगा। दिस ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जॉब के अकॉर्ड जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो जॉब आपने पहले से सिलेक्ट कर रखा है और जिस तरह से आपने रिसोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है उसके बेसिक्स पे ये काम करता है बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है तीसरे तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे क्लियर है मल्टी प्रोग्राम। अभी तक हम लोगों ने देखा एक ही प्रोग्राम हो रहा था, इसमें ये कह रहा है कि हम साइमल्टेनियसली जो है एक से अधिक जॉब करेंगे। दिस टाइप ऑफ ओएस इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट मोर देन वन जॉब साइमल्टेनियसली बाय अ सिंगल प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर सिंगल यूज हो रहा है पर जॉब जो है वो साइमल्टेनियसली कई प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से सीपीयू का यूटिलाइजेशन वो एनहांस हो गया। CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one job to execute. अब इस तरह से उसका utilization किया कि although they are doing more than one job simultaneously, but it's look like that CPU is doing one job at a time. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था pipelining वाला concept, तो fetching हो गई, एक instruction जो पहले already fetch हो चुका है वो decode हो गया, decode हुआ वाला instruction जो execute हो चुका है, तो कुछ इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हो रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। ऑल द जॉब्स दैट एंटर द सिस्टम आर स्टोर्ड इन द जॉब पूल। जितने भी जॉब परफॉर्म किए जाने हैं वो सिस्टम में एक जॉब पूल में रख दिए गए। द ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, लोड्स अ सेट ऑफ जॉब फ्रॉम जॉब पूल इनटू मेन मेमोरी एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट। ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें से कुछ सेट ऑफ जॉब्स को चूज करता है, मेन मेमोरी में लाता है। अभी तक ये जॉब कहाँ पे रखे थे, डिस्क में यानी हार्ड ड्राइव में रखे हुए हैं, वहां से कहाँ लाए, मेन मेमोरी में। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द जॉब मे हैव टू वेट फॉर सम टास्क सच एज एन आईओ ऑपरेशन टू कंप्लीट। ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जॉब को पूरा होने के लिए कुछ आईओ सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मीन वाइल जब तक वो वेट कर रहा है तब तक मल्टी प्रोग्रामिंग जो कि ये सिस्टम है ये दूसरा कोई काम परफॉर्म करेगा दूसरे जॉब का, इसको ही ये कह रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन दैट जॉब नीड्स टू वेट द सीपीयू स्विच टू अनदर जॉब एंड सो ऑन एंड व्हेन द फर्स्ट जॉब फिनिशेस वेटिंग एंड इट्स गेट्स द सीपीयू बैक। और जब ही उसका वेटिंग ओवर हो गया उसको जो कुछ भी इनपुट से लेना था वहां से सेंसर से इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो वेट नहीं करेगा, अब उसको सीपीयू दिया जाएगा कि नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट इट जो भी आपको काम करना है। एज लॉन्ग एज एट लीस्ट वन जॉब नीड्स टू एग्जीक्यूट द सीपीयू इज नेवर आइडल। और जब तक कोई एक जॉब एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है सीपीयू आइडल बैठ ही नहीं सकता। इट मींस कि सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो अगला है जिसको कहा टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग टाइम वाइज शेयर किया गया, मल्टीटास्किंग टाइम शेयर किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये और पिछले वाले में जो अंतर कहा जाए या यू कहा जाए कि जो कुछ एड ऑन हुआ एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो इन्होंने दी वो क्या दी, फास्टर स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल जॉब्स टू मेक प्रोसेसिंग फास्टर। टाइम जो है वो कम दिया, यानी जॉब एक जॉब से दूसरे जॉब की ओर स्विच करना जबकि हमको दिख रहा है कि पहले जॉब को नाउ इट नीड सम आईओ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म देन इट एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट स्टेप। मीनवाइल द स्विचिंग फ्रॉम दिस जॉब टू द अदर जॉब टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो जो पिछला प्रोग्रामिंग था जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें जो टाइम लग रहा था एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच होने में वो यहाँ पे कम हो गया जिसकी वजह से ओवरऑल स्पीड बढ़ गई। मल्टीपल यूजर्स अब यहाँ पे आ गए, अब वो शेयर करेंगे एक ही कंप्यूटर सिस्टम को साइमल्टेनियसली।
क्योंकि आपने क्या किया, टाइम शेयरिंग कर दी, द यूजर्स कैन इंटरेक्ट विथ ईच जॉब व्हाइल इट इज रनिंग। तो मल्टीपल यूजर्स एक ही जॉब जो जो चल रहा है, जिसकी प्रोसेसिंग हो रही है, यूज कर सकते हैं। ठीक, दीज सिस्टम्स यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। तो इसमें जो है वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया गया। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी जॉब को डिस्कार्ड नहीं किया गया, यानी उनको छोड़ा नहीं गया, बगैर उसको एग्जीक्यूट कराए छोड़ा नहीं गया। ईच वन इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। अभी तक क्या था, इसके पहले वर्चुअल मेमोरी जैसा कुछ नहीं था तीनों में। वहां पे क्या कर रहे थे, हार्ड डिस्क ले रहे थे, आइदर मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट लिया। इट यूजेस सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू पहले भी शेड्यूल हो रहा था, मेमोरी मैनेजमेंट करना ही करना है, डिस्क का मैनेजमेंट आपको करना ही करना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे पहले हो रहा था वैसे करना ही करना है। अब इस तरह के जो सिस्टम आए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कुछ थे सीटीएसएस, मल्टिक्स, कैल, यूनिक्स, ये सब जो है वो टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई सारे टाइम शेड्यूल यानी कि मल्टी यूजर एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, अपना जॉब करा सकते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगला जो है वो है मल्टी प्रोसेसर। अब देखिए प्रोसेसर अलग अलग हो गए, मतलब कई सारे प्रोसेसर आ गए। अभी तक क्या था, एक ही प्रोसेसर था, उसको टाइम शेड्यूल कर रहे थे, उसको डिवाइड कर रहे थे मल्टी यूजर में। अब क्या कह रहे हैं कि नहीं प्रोसेसर ही कई होंगे अब। तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आर आल्सो नोन एज पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम आर टाइटली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सच ऑपरेटिंग सिस्टम हैव मोर देन वन प्रोसेसर इन क्लोज कम्युनिकेशन दैट शेयरिंग द कंप्यूटर बस। अब चूंकि एक से ज्यादा प्रोसेसर है, कंप्यूटर बस यूज कर रहे हैं, क्लॉक यूज कर रहे हैं, समटाइम्स मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस भी वो यूज करेंगे। हो सकता है कि वो कॉमन मेमोरी को यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो कॉमन पेरिफेरल से वो डेटा लेना चाहें। तो अब इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, वैसे वैसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आए, ऐसी बहुत सारी जरूरतें आई जहां पे हमको ऐसा लगा कि भाई सेंसर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, कई प्रोसेसर चाहिए। तो फिर मल्टी प्रोसेसर में फिर किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाए। तो जब वो बात आई तब इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया। तो मल्टीपल जॉब एट द सेम टाइम कैन बी डन बाय दिस एंड विद द मच फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। तीन इसके एडवांटेज, अगर मेन एडवांटेज कहे जाए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा ये भी आप लोग को बता दो। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, दो मार्क्स के भी आ सकते हैं। अब दो मार्क्स का तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो राइट शॉर्ट नोट ऑन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, या राइट शॉर्ट नोट ऑन मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या अभी आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इस तरह के किसी सिस्टम पे वो शॉर्ट नोट्स लिखने को पूछ सकते हैं, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब ऑल ऑफ द 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं, कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करिए कि किसके किसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव 3 मेन एडवांटेजेस, इंक्रीज थ्रूपुट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर द सिस्टम परफॉर्म्स मोर वर्क इन लेस टाइम। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ गए तो नेचुरल नंबर ऑफ वर्क्स यानी परफॉर्मिंग जॉब्स भी बढ़ गई, टाइम कम लगने लगा, स्पीड अप रेशियो विद एन नंबर ऑफ प्रोसेसर लेस देन एन। हालांकि अगर देखा जाए तो एन प्रोसेसर यूज हो रहे हो तो डेफिनेटली कुछ तो उनके में कम्युनिकेशन करने में टाइम जाएगा, तो नेचुरली स्पीड एंड टाइम्स तो नहीं इंक्रीज हो जाएगी पर उससे कुछ कम तो रहेगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कैन सेव मोर मनी देन मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। तो बजाय कि हम सिंगल प्रोसेसर के कई सिस्टम यूज करें,
उससे बेटर है कि हम एक सिस्टम यूज करें जिसमें मल्टी प्रोसेसर लगा हो। उससे होगा क्या कि आपने कई सिस्टम यूज किए सिंगल प्रोसेसर वाले और उनसे एक डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हर एक सिस्टम जो है वो अपने अपने डेटा को किसी कॉमन बस के थ्रू भेजेगा, तो आपको वो जो डेटा लेने और देने में जो टाइम लगेगा वो आपके टोटल जो वर्किंग टाइम है उसको बढ़ा देगा। नंबर ऑफ जो सेंसर्स हैं, नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस आपको अलग अलग कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो एनहांस हुई, रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई। इफ वन प्रोसेसर फेल, तो चूंकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो दूसरा प्रोसेसर उस काम को कर सकता है, वो है आपके पास है, वो यूजर के पास है कि ठीक है भाई ये प्रोसेसर नहीं कर रहा तो दूसरा इसी सिस्टम में प्रोसेसर लगा है और उसको यूज करके हम करा सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता, अगर आप मल्टीपल सिंगल प्रोसेसर में जाते हैं तो एक प्रोसेसर फेल हो गया तो नेचुरली अब आपको दूसरे प्रोसेसर पे जाना पड़ेगा, वहां पे इस सारे आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी आपको जरूरत है, तो वो जो है वो रिलायबिलिटी को रिड्यूस करता था वो सिस्टम। ये तो था मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। द एबिलिटी टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सर्वाइविंग हार्डवेयर इज कॉल्ड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का मतलब एक तो डिग्रेडेशन, दूसरे ग्रेसफुल सिस्टम डिजाइन फॉर ग्रेसफुल आर कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंट। यहां पे ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जैसे कहा कि अगर मल्टी प्रोसेसर है, एक सिस्टम फेलियर हो गया, एक प्रोसेसर फेलियर हो गया, तो एक प्रोसेसर फेल होने का मतलब ये हुआ कि आप अपना काम आपका नहीं बाधित हो रहा है, काम आपका नहीं रुक रहा है, काम आपने दूसरे सिस्टम से करा लिया। तो अगर ऐसा होता भी है तो एक ग्रेसफुली आपको पता लग गया कि ठीक है अब तो ये हैम्पर्ड हो गया, काम मैंने दूसरे से कराया तो दूसरे का भी जो अब टाइम लगना था वो तो अब ज्यादा लगेगा नेचुरली, क्योंकि अगर चार प्रोसेसर थे तो अब तीन को ही चार का काम करना है, तो ये तो एक दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन वहां पे आपके पास ये मौका तो है कि आप काम करके दे सकते, तो ग्रेसफुली यू कैन कंट्रोल योर वर्क। पर अगर मान लीजिए आप सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो अगर फेल हो गया तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा पर्पज ही फेल हो जाएगा, तो वहां पे डिग्रेडेशन में जो अगर हो रहा है, कंपोनेंट डिग्रेड हो रहे हैं, कंपोनेंट में धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो है वो डिग्रेडेशन आ रहा है, उसमें फेल्योर बढ़ रहा है, तो आप जो है काम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है अब थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा जब तक हम इसको अपग्रेड नहीं कर लेते, पर काम कर हो तो जाएगा। तो ये आपके पास जो है एक ऑप्शन बचता है। द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, एक तो है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ईच प्रोसेसर रन्स ऑन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दीज कॉपीज कम्युनिकेट विद वन अनदर एज नीडेड। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि हर एक प्रोसेसर जो है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की आइडेंटिकल कॉपी पे वर्क कर रहा होता है। असिमेट्रिक प्रोसेसर में एक मास्टर प्रोसेसर होगा जो बाकी और प्रोसेसर को कंट्रोल करेगा, जो उनको स्लेव प्रोसेसर कहेंगे। अब यहाँ पे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप हो गई, मास्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो शेड्यूल करेगा जॉब को, मैनेज करेगा इंटायर मेमोरी को। सिमेट्रिक में क्या था कि आइडेंटिकल कॉपी थी और ऑल प्रोसेसर आर कंप्यूटिंग बाय यूजिंग द सेम सेट ऑफ मेमोरी, सेम सेट ऑफ ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे क्या है, मास्टर एलोकेट करेगा स्लेव प्रोसेसर को कि भैया ठीक है आप पर्टिकुलर, आप स्लेव नंबर वन को आप ये देंगे, स्लेव नंबर टू को ये देंगे, स्लेव नंबर थ्री को ये देंगे, ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीजें जो कि पहले नहीं थी, ये तो था मल्टी प्रोसेसर में। अब आ गए हम लोग फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में तो हम लोगों ने देखा ही कि डिस्ट्रीब्यूटेड में जो है नाम से ही क्लियर है, डिफरेंट मशीन्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एंड ईच मशीन हैज इट्स ओन प्रोसेसर एंड ओन लोकल मेमोरी। अब यहाँ पे आइडेंटिकल जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिकल जैसा कुछ भी नहीं होगा। इन दिस सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ऑल द मशीन वर्क टूगेदर टू मैनेज द कलेक्टिव नेटवर्क रिसोर्स। अब कई मशीन जुड़ी हैं, हर एक मशीन से उसका अपना अलग मेमोरी स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, उनके अलग पेरिफेरल्स जुड़े हुए हैं और
आपको क्या करना है एज ए कंप्लीट सिस्टम उन सब का उपयोग करना है, उनके कलेक्टिव आपको उनके जो है परफॉर्मेंस को इकट्ठा करना है। अब दो तरह से ये हो सकता है, एक तो हो सकता है क्लाइंट सर्वर सिस्टम, दूसरा हो सकता है पीयर टू पीयर सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या क्या, रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज शेयरिंग का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ उसकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसी कंप्लीट सिस्टम में, इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ये काम कर रहा है उसमें दूसरी मशीन के पास मेमोरी ज्यादा है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ये हो गया रिसोर्सेज शेयरिंग। फिर लोड शेयरिंग, अगर मुझे पता है कि इसमें करीब 5 प्रोसेसर लगे हैं और थर्ड प्रोसेसर के पास इस वक्त शेड्यूल में काम बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं अपने जो काम है ज्यादा उनको उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। ओवरऑल रिलायबिलिटी एनहांस हो जाएगी क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेसर तो वर्क करेगा ही करेगा, और सारे ही प्रोसेसर एक दूसरे के रिसोर्सेस को यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। कम्युनिकेशन इससे बढ़ गई, एडवांस कह सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन हो गई। हाँ, ये जरूर रहा कि चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें लैन या वैन से कनेक्टेड होनी चाहिए कंप्लीट जितनी भी मशीन्स हैं। छठा, जो आप लोग यूज करते हैं, जिसमें सर्वाधिक यूज आप लोग इसी को करते हैं, और ये है डेस्कटॉप सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें क्या है, द पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर मैक्सिमाइजिंग यूजर कन्वीनियंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। दिस सिस्टम इज नाइदर मल्टी यूजर नॉट मल्टी टास्किंग। मल्टी यूजर तो है नहीं, एक समय आप किसी पे बैठे तो आप ही अपना काम कर रहे हैं, दूसरा तो उसका काम कर नहीं रहा। इसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया कि यूजर को दिक्कत ना हो ज्यादा। दिस सिस्टम इंक्लूड पीसीज रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो हम लोगों ने देखा ही कि अगर नॉर्मल जैसे बाकी मशीन एप्पल को छोड़ दें तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग विंडोज यूज करते हैं, विंडोज के डिफरेंट वर्जन है इसको यूज करते हैं। IBM MS-DOS को अपग्रेड करके OS2 तक आ गए हैं, OS2 यूज करते हैं। एप्पल अपना एप्पल मैकिंटोश है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको यूज करते हैं ये, जिसके नए अपने फीचर्स हैं। तो सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अलग अलग फीचर्स हैं जो डिफरेंट मशीन्स पे वर्क करते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो सेल्फ उसी के लिए बने ही हैं, दूसरे पे वो काम ही नहीं करेंगे। सेवेंथ जो है, जो हम लोग को पढ़ना है, सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस यूनिट का है, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हालांकि इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, इज अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन विद फिक्स डेडलाइन। तो डेडलाइन इसमें फिक्स है। अभी तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बात किए इसके पहले, उसमें कहीं भी टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था कि भैया इतने टाइम में ही होना चाहिए। नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा दिए, ये सारी चीज को बढ़ा दिया, लेकिन ये कहीं नहीं था कि भैया टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रेंट अभी तक नहीं आया था, पर अब इसमें आएगा RTOS में। सच एप्लीकेशंस इंक्लूड सम स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल्स, इंडस्ट्रियल रोबोट, स्पेस क्राफ्ट, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे ये यूज होते हैं RTOS, और जहां पे डेडलाइन बिल्कुल डिफाइंड है। अब इसमें भी दो कैटेगरी को डिवाइड कर दिया, एक तो बिल्कुल ही जहां पे हम सेकेंड्स का भी डिफरेंस नहीं ले सकते, विद इन सेकेंड वो ऑपरेशन होना चाहिए, उसको कहा हार्ड रियल टाइम सिस्टम, और दूसरा जिसमें थोड़ा वेरिएशन अलाउ है स्टिल की वो रेंज में होना चाहिए, उसको कहा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम,
और जब ऑन टाइम कह रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत लिबर्टी नहीं दे रहे हैं आपको, बिल्कुल जो है आपको विद इन सेकेंड्स में ये ऑपरेशन को करना है। दिस गोल रिक्वायर्स दैट ऑल डिलेज इन द सिस्टम बी बाउंडेड फ्रॉम द रिट्रीवल ऑफ स्टोर डेटा टू द टाइम दैट इट टेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू फिनिश एनी रिक्वेस्ट मेड ऑफ इट। यानी स्टोर्ड डेटा अगर कोई है, वहां से मेमोरी से डेटा को लेना, रियल टाइम में जो डेटा आ रहा है उसको लेना, उन दोनों डेटा के आधार पर डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के बाद उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सब कुछ, वो पूरा टाइमिंग आपको कैलकुलेट करना है। सच टाइम कंस्ट्रेंट डिक्टेट्स द फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो पहले का जो डेटा आपके पास है, आपको ये ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जैसे मिसाइल लॉन्चिंग का है, तो आपके पास कोई पहले से डेटा है कुछ मिसाइल का, तो आपने वो डेटा भी यूज करना है। दूसरा, जब आप उस मिसाइल को लॉन्च करने जा रहे हैं तो नए डेटा भी आपको मिलेंगे, हो सकता है एनवायरमेंट से कोई नई चीजें उस वक्त आ जाए, कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, ये सारी चीजों का जो है आपको इस तरह का एक एनालिसिस करके चलना होगा, और इन सबको ले करके एक्चुअल एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो निश्चित है, वो आपको उतने नहीं करना है। तो क्रिटिकल टास्क टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इसमें होना ही होना है, वो नहीं होगा तो कंप्लीट सिस्टम जो है वो फेल हो जाए। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या है कि लेस रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम, हियर अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स प्रायोरिटी ओवर टास्क। अब इसमें भी क्या किया सॉफ्ट, एक तो ये सॉफ्ट है जिसमें कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है। दूसरा, इसमें उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया, अगर कई काम करने हैं तो उसमें प्रायोरिटाइज कर दिया कि ठीक है इसमें भी ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। सॉफ्ट रियल साइज सिस्टम कैन बी मिक्स विद अदर टाइप ऑफ सिस्टम ड्यू टू लेस रिस्ट्रिक्शन, दे आर रिस्की टू यूज फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड रोबोटिक्स। तो ये चूंकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम को आप ऐसे जगह पे नहीं यूज कर सकते जहां पे क्रिटिकल एनवायरमेंट हो, जैसे हम लोगों ने बात की थी स्पेसक्राफ्ट की, मिसाइल की, या रोबोटिक्स में है, इसको आप वहां यूज कर सकते हैं जहां थोड़ी टाइम की लिबर्टी आपको मिलती है। एयर कंडीशन को, एयर कंडीशनर को ऑन करना है, थोड़े टाइम की लिबर्टी है कि ठीक है सेंसर्स ने कहा सिलेक्ट किया डेटा को, थोड़ा टाइम जरूर लग गया जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसको एसेस करने में, एक्चुएटर को सिग्नल देने में कि ठीक है भाई नाउ कंप्रेसर हैज टू बी इन स्टार्ट मोड, वहां तक पहुंचने में, स्टार्ट होने में, ठीक है वहां तक तो चल जाएगा। लेकिन उसमें का एम्बेडेड सिस्टम आप ले जाके, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको आप ले जाके हार्ड रियल टाइम सिस्टम में यूज करेंगे तो फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे, वो वहां पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक समय तो ये जरूर हो सकता है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में जो RTUS यूज कर रहे हैं वो आप सॉफ्ट में यूज कर लें, उससे क्या होगा कि आपका परफेक्टनेस बढ़ जाएगी लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अब जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो पता लगा मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम का एम्बेडेड सिस्टम RTUS ले आके लगाए तो एयर कंडीशनर बिक रहा है लाखों से ऊपर, तो खरीदेगा कौन? तो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन आपको करना होता है। तो ये सात तरह के कह लें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इवोल्यूशन से यानी स्टार्ट से अभी तक में यूज हो रहे हैं, और ये सारे के सारे ही यूज हो रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेकर के सिंपल एक छोटे एम्बेडेड सिस्टम तक। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की बात करें तो पांच तरह की सर्विसेज हैं जिसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कराता है। कौन कौन से हैं? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सबसे पहला तो यही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना चाहिए, यानी यूजर जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहता है वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो उस यूजर को वो एनवायरमेंट देना जिससे वो अपना एक प्रोग्राम जो भी वो रन कराना चाह रहा है वो रन कराए और इजिली करा ले, आसानी से करा ले, यूजर फ्रेंडली हो, कन्वीनियंस हो उसको। रनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग एंड डीलोकेटिंग मेमोरी। अब किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो OS है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर ने मान लीजिए कोई पेंट फोटोशॉप की कोई अपने ऐप ऑन कर लिया, अब फोटोशॉप में वो काम कर रहा है पर मेमोरी ने है ही नहीं उसके पास इतनी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करे कि वेदर द कंप्लीट सिस्टम हैज दैट मच ऑफ मेमोरी आर नॉट।
अगर नहीं है तो पहले से एक एडवांस में पहले ही जो है वो फोटोशॉप के पहले ही वो बता दे ओपन होने के पहले कि नो देयर इज नॉट सफिशियंट मेमोरी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, फिर उस कंडीशन में यूजर डिसीजन लेगा कि कहां से क्या करना है। अगर है तो उसको एलोकेट करना सिर्फ मेमोरी को, सीपीयू की शेड्यूलिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग में, क्योंकि हो सकता है वो फोटोशॉप के अलावा भी कई काम कर रहा है वो यूजर। ये सारा काम जो है वो ओएस का है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मकसद रखता है। खास करके जब हम लोग अपने अभी पीसी या लैपटॉप पे काम करते हैं तो नंबर ऑफ वर्क वी आर डूइंग एट द सेम टाइम। अब ये जितने भी काम कर रहे थे उसका सीपीयू यूजेज कैसे होना है ये सब कुछ ओएस डिसाइड कर रहा है बैक में पीछे, कि हम जो जो काम दे रखे हैं उसको उसमें कितना कितना परसेंट सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जब हमारा कभी हैंग होने लगता है या काम बहुत स्लो हो जाता है तो हम लोग चेक करते हैं भाई सीपीयू यूजेज क्या चल रहा है, तो जा करके टास्क मैनेजर में चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में कौन कौन से सीपीयू परसेंटेज क्या है, कुछ को बंद करते हैं अपनी ओर से क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपना काम कर रहा है उसने तो करके दे दिया, लेकिन अब आपने उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा आपने इतना काम डाल दिया, तो सबकी भी तो एक लिमिट है ना कितना शेड्यूल करेगा। आईओ ऑपरेशन दिस प्रोग्राम रिक्वायर्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ आईओ। तो अगर आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने यूज की है तो कैसे कन्वीनियंटली स्मूथली जो है यूजर को डेटा प्रोवाइड हो, ये काम ओएस का है। फाइल सिस्टम का मैनिपुलेशन, नए फाइल को लेना उसको स्टोर करना कहाँ पे स्टोर करना है ये सारा कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, हालांकि उसमें यूजर की परमिशन भी चाहिए, तो यूजर तो उसको डिसाइड करेगा ही करेगा, बट सर्टेन प्रोग्राम तो वो बाय डिफॉल्ट करता है। आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना हो तो सीधे सी ड्राइव में लेके जाता है वो प्रोग्राम फाइल्स में, उसको पता है कि वहीं जाके स्टोर करना है, तो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें आप डिसाइड करते हैं। कम्युनिकेशंस, शेयर्ड मेमोरी अगर है तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो रहा है डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में। तो दो तरह से है शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी है यानी कि कई प्रोसेसर हैं कई यूज हो रहे हैं तो उनके बीच में कैसे होगा। मैसेज पासिंग यानी एक से दूसरे को मैसेज दिया जाता, अगर यानी एक का काम हो गया हो और उसके आउटपुट से दूसरे का इनपुट डिपेंड है फिर उस कंडीशन में कैसे होगा। तो ये दो तरीके हैं। एरर डिटेक्शन, एरर कहीं भी आ रही है अगर कंप्लीट सिस्टम में तो उसको डायग्नोस करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को करने होते हैं, सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करना होता है। तो आज यहां तक रहा, कल इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओएस की बात हम लोगों ने कर ली, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस की बात कर ली, सर्विसेज की बात कर ली, अब हम लोग शेड्यूलिंग की बात करेंगे कि कैसे प्रोग्राम शेड्यूलिंग होती है आरटीओएस में, सीपीयू की शेड्यूलिंग कैसे होती है, इन सब की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग।